अपने घर का सुरक्षा के लिए आपको घर पे सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आपको लगता होगा कि जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं उनका दाम बहुत होता है और यही सोच के बहुत लोग अपने घर पे सीसीटीवी कैमराज नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको आजकल वाईफाई कैमरा इस तरह का वाईफाई आईपी कैमरा आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज़ में से। तो इसको आपको सिर्फ खरीदना है और आपके घर पे, दुकान पे, ऑफिस पे आप खुद लगा सकते हैं। उसके बाद अपने मोबाइल से आप इसको देख सकते हैं और इसके लिए अलग से DVR नहीं चाहिए। इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और इसके अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है। और आजकल इस तरह का वाईफाई आईपी कैमराज बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं, सभी लोग घर पे लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे सीसीटीवी कैमराज बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये आउटडोर कैमरा नहीं है, ये इंडोर कैमरा है, लेकिन मैं इसको लगाने वाला हूँ आउटडोर में। आप भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे जगह पर लगाना पड़ेगा जहाँ पे पानी ना गिरे। तो आज के इस वीडियो में मैं इस कैमराज का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इंस्टॉलेशन सभी कुछ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। तो इन वाईफाई स्मार्ट नेट कैमराज का बॉक्स पैकेजिंग इस प्रकार का है, ऐसे बॉक्स में आए हैं। तो यहाँ पे फीचर्स वगैरह लिखा हुआ है, साइड में ऐप का QR कोड है और इस साइड में ऐप का नाम है V380 Pro और इस साइड में सेम है। तो दोनों ही बॉक्स सेम है देखिए, क्योंकि दो कैमरा मंगवाया है मैंने। तो चलिए अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले ये देखिए कैमरा और नीचे क्या क्या है देखेंगे। उससे पहले चलिए दूसरे बॉक्स को भी खोलते हैं। इसमें सबसे ऊपर मिला है यूज़र मैनुअल, उसके बाद मिला है एक पावर अडैप्टर, एक पावर केबल माइक्रो USB वाला, उसके बाद ये रहा वॉल एंड सीलिंग माउंट, उसके बाद ये हो गया पहला वाला वाईफाई सीसीटीवी कैमरा और उसके बाद ये रहा स्क्रूज फिटिंग करने के लिए। तो इस बॉक्स में से भी सेम चीज़ें ही निकलेगा, जैसे कि ये हो गया सीसीटीवी कैमरा, ये वॉल एंड सीलिंग माउंट, ये रहा पावर अडैप्टर, उसके बाद पावर केबल, स्क्रूज और ये यूज़र मैनुअल। तो चलिए अभी देख लेते हैं एक कैमरा के साथ क्या क्या मिला है। ये हो गया वॉल एंड सीलिंग माउंट, पावर केबल, पावर अडैप्टर और स्क्रूज फिटिंग करने के लिए, और ये हो गया दूसरा वाला कैमरा विथ एसेसरीज। तो चलिए अभी कैमराज को पास से देख लेते हैं। इस कैमरा में VTI लिखा हुआ है, वो छोड़िए, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये हो गया कैमरा का फ्रंट साइड, यहाँ पे ये है लेंस और उसके चारों तरफ ये है IR लाइट्स नाइट विजन के लिए। उसके बाद सामने ये हो गया माइक और पीछे ये वाईफाई एंटेना है, दो एंटेना है। पीछे यहाँ पे लैन पोर्ट है, ये हो गया रीसेट का बटन और यहाँ पे आपको पावर केबल लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे कैमरा के नीचे माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन है और उसी में ही वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा। जब कार्ड फुल हो जाएगा तब पुराना वीडियो डिलीट हो जाएगा और नया वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा। और इन कैमराज को आप मोबाइल ऐप से दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा भी सकते हैं, तब इस तरह से इन कैमराज का मूवमेंट होगा और आप चारों तरफ के चीजों को देख पाएंगे। और इस कैमरा में स्पीकर भी है, यहाँ पे आप चोर को डांट के भगा भी सकते हैं। तो ये जो कैमराज है बहुत ही काम के और सस्ते सीसीटीवी कैमराज है, आप भी ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी इन कैमराज में पावर देंगे, उसके लिए साथ में जो पावर केबल मिला था और जो पावर अडाप्टर मिला था उसका यूज़ करेंगे। केबल का USB साइड जाएगा अडाप्टर पे और माइक्रो USB वाला साइड लगाना पड़ेगा कैमरा के पीछे। अभी अडाप्टर को लगाना है स्विच बोर्ड पे। तो इस कैमरा का जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में यूजर मैनुअल पे लिखा हुआ है, ऐप का नाम है V380 Pro। तो चलिए अभी उस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखिए ऐप में दोनों कैमराज शो कर रहे हैं, इसको आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। अभी जो कि दो ही कैमराज है तो ऊपर में दो ही फुटेज शो हो रहा है, नीचे का दो कैमराज ऐड नहीं है इसीलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। चार कैमरा होता तो नीचे भी आ जाता। तो अभी इस मोबाइल को आप कहीं पे भी रख के रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं प्रोफेशनल सीसीटीवी कैमराज के जैसे, नहीं तो इस मोबाइल को कहीं पे भी ले जा सकते हैं और वहां से भी देख सकते हैं। तो इस ऐप से आप वीडियोस को मोबाइल पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे है देखिए। तब कैमराज में मेमोरी कार्ड लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए अभी इन कैमराज को बाहर पे लगाते हैं। उसके लिए ये जो वॉल एंड सीलिंग माउंट दिया हुआ था साथ में, इसको कैमरा के नीचे ऐसे लगाना पड़ेगा, मतलब ये वाला हिस्सा जाएगा कैमरा के नीचे और ये वाला हिस्सा जाएगा सीलिंग पे, और वहाँ पे ये जो स्क्रूज दिया है साथ में उसको लगाना पड़ेगा। तो मैंने माउंट को एक लकड़ी के टुकड़े पे फिट कर दिया है
और उस लकड़ी को घर के बाहर रूफ के नीचे लगवा रहा हूँ। तो ये मैंने दिया पावर सप्लाई और ये सीसीटीवी वाईफाई कैमरा हो गया रेडी टू रिकॉर्ड एंड प्रोटेक्ट द हाउस। तो अभी दोनों कैमरा इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हैं ये वाला एक है और एक है दूसरे साइड में वो वाला। तो अभी इन कैमराज का जो डे का जो फुटेज है वो आप देख लीजिए। तो ये है सैम्पल डे का। ये मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है वाईफाई से, पर मेमोरी कार्ड में फुल एचडी वीडियो आउटपुट मिलेगा। और उसके बाद इसमें नाइट विजन भी है, आप देख सकते हैं जितना भी अंधेरा हो ये अच्छे से रिकॉर्ड करता है नाइट में। तो नाइट विजन का सैंपल आप देख लीजिए। अभी ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये नाइट विजन का सैंपल है और इस समय यहाँ थोड़ा सा भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा है, पर फिर भी सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस कैमरा में पैन एंड टिल्ट का भी ऑप्शन है जो आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करके 360 व्यू देख सकते हैं और आप दुनिया के कहीं से भी इस कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो आज आपने देखा कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना कितना आसान है, सिर्फ खरीदना है और लगाना है। देखिए, और दाम भी एकदम कम है, इसका दाम था 1285 एक कैमरा का। और अगर आपको ये कैमरा लेना है तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज ही ऑर्डर कीजिए और अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा लगवाइए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।